और पब्लिक के बीच काफी ही गहरा संबंध होता है। दोनों के सहयोग से आसानी से अपराध पर नियंत्रण कर पाना संभव है। पुलिस सप्ताह के तहत MMP मैदान में पुलिस और पब्लिक के बीच संवाद के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों को जीवन और उनके करियर को सफल कैसे बनाए इसकी जानकारी दी। पुलिस और पब्लिक का संबंध बहुत ही गहरा होता है। दोनों के सहयोग से ही अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। पुलिस सप्ताह के अवसर पर MMP मैदान में पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं के कैरियर के बारे में जानकारी दी कि छात्र छात्राएं प्रतियोगिता परीक्षा से घबराए नहीं, उसकी तैयारी कैसे करें। इस मौके पर कई पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को जीवन सफल करने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रोफेसर रणविजय कुमार ने की। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों ने पुलिस अधीक्षक से संवाद कर कई बातों की जानकारी प्राप्त की। बाल विवाह जय प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाला था, इसका हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया था। इसको कैसे खत्म किया जाए प्रथा को, पुलिस पब्लिक संवाद का और एकदम और बच्चों के कैरियर के काउंसलिंग के लिए जो है हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसी के तहत यहाँ पे हमारे दो प्रशिक्षु कि हम लोग कैसे इसी अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, कैसे होता क्या है कि बच्चे सभी तैयारी करते हैं मगर मार्गदर्शन से नहीं मिलता है तो सफलता हासिल। बैच का हूँ जिसमें टोटल 6 DSP नोटिफिकेशन में था वैकेंसी, और उसमें मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है BPSC में 63rd DSP। कानपुर से पढ़े हैं और मैं NIT वारंगल से पढ़ा हूँ। मैं भी चाहता था कि एक IITN बनूं, लेकिन IITN न बन सका, NITN बन सका, और उसमें भी बहुत अच्छा कॉलेज है NIT वारंगल। जनरली जो रैंक पीछे आता है IIT में वो NIT वारंगल और NIT त्रिची में एडमिशन लेता है। सौभाग्य से हम NIT वारंगल में पढ़े और सिविल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया है, और NIT वारंगल पूरे एशिया में सिविल इंजीनियरिंग में सबसे टॉप है वहाँ के फैकल्टी। तो शुरू से मेरा मंजूर था और फिर आप लोग के बीच में एज ए पुलिस उपाधीक्षक आ गया हूँ। और जहाँ तक ये BPSC सिलेबस की बात है तो एक बात जान जाइए, जैसे PT में जितना विस्तार से सर ने बताया उन्हीं सब चीजों को पढ़िएगा तो PT क्वालिफाई कर जाइएगा। मेंस के बारे में बताते हैं क्योंकि UPSC के मेंस से कुछ अलग है BPSC का मेंस, उसमें 3 पेपर होता है और अटेम्प्ट हो जाता है। जैसे सरकारी सर्वे हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल हो गया, और भी सर्वे, उन लोगों को उन चीजों को अगर समाहित कर लेते हैं। जैसे मुख्य रूप से मुझे लगता है कि खास करके अगर कहें तो युवा पीढ़ी जो है उसे मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता रहती है, तो वो इस स्टेज के माध्यम से हम लोग मार्गदर्शन दे सके। मार्गदर्शन में एक तो होता है कैरियर काउंसलिंग की जो युवा पीढ़ी है उसे सही कैरियर प्राप्त हो सके, उसका कोई कंफ्यूजन है उसको लेकर के तो वो दूर हो सके। दूसरा, युवा पीढ़ी को ये हमेशा मालूम है कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है। उसमें मेरा मुख्य जो है वो मोरल एजुकेशन को लेकर के, मोरल एजुकेशन कई सारे रास्ते होते हैं जो कि आप गलत रास्ते पे भी चल के अमीर हो सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मोरली वो हमेशा गलत होता है। मोरली आप किसी को दबा के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो गलत होता है, आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में या कहीं ना कहीं उसकी हानि उठानी पड़ती है। तो इसको लेकर के भी मैं चाहता था कि संवाद कायम हो, खास करके हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके साथ, इन लोगों को क्या चीज समाज में गलत है और क्या सही है उसका भेद पता होना चाहिए, और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम सही मार्ग पे चलें। सही सच बोलना और झूठ बोलना, ये भले झूठ बोलने के लिए आपको सजा नहीं मिलेगी लेकिन सभी जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, भले फॉलो बहुत कम लोग करते हैं लेकिन मोरली सबको पता है कि झूठ बोलना गलत है। क्या आप अपने घरों में टाइल्स लगाना चाहते हैं? तो अत्याधुनिक तकनीकी से निर्मित अंबानी टाइल्स, शाहबाद का प्रथम अंबानी टाइल्स दुकान, चंदवा मोड़ आरा। सुंदर तथा किफायत
दामों में केरामिक टाइल्स, वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, नैनो टाइल्स, 3D टाइल्स के अलावा आकर्षक और मजबूत सेनेटरी के लिए संपर्क करें अंबानी टाइल्स, चंदवा मोड़, आरा।